ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कुर्म पुराण के बारे में। पहले हम आपको संहिता बता देते हैं। इस पुराण में चार संहिताएं हैं, ब्राह्मी संहिता, भागवती संहिता, सौर्य संहिता और वैष्णवी संहिता। इन चारों संहिताओं में आज केवल ब्राह्मी संहिता ही प्राप्य उपलब्ध है, शेष संहिताएं उपलब्ध नहीं है। ब्राह्मी संहिता में पुराणों के प्रायः सभी लक्षण, सर्ग प्रतिसर्ग, देवों और ऋषियों के वंश, मनवंतर, वंशानुचरित तथा अन्य धार्मिक कथाएं हैं, रिलीजियस स्टोरीज हैं, ये सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। इस पुराण ने वैष्णव, शैव और शाक्त तीनों संप्रदायों को समन्वयात्मक रूप में प्रस्तुत किया है, सभी को समान मान्यता दी है। अब हम बात करते हैं कि इसमें सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में क्या कहा गया है। अन्य पुराणों की भांति कुर्म पुराण में भी सृष्टि की उत्पत्ति ब्रह्म से स्वीकार की गई है। सभी जड़ चेतन स्वरूपों में जीवन का अंश माना गया है और इस जीवन अंश को ही ब्रह्म का अंश कहा गया है। जैसे मेरु पर्वत की आयति और नियति दो कन्याएं थी जिनका विवाह धाता एवं विधाता से हुआ था, फिर उनकी भी संतानें हुई। इस प्रकार जड़ पदार्थ को भी मानवीय रूप देकर पुराणकार ने उन्हें जीवित मनुष्य ही माना है। इसी सृष्टि से मानव जाति का ही विकास हुआ है। फिर उसमें समुद्र मंथन का जिक्र है। भारतीय पुराणकारों को विशेषता रही है कि उन्हें सभी जड़ चेतन स्वरूपों में जीवन का अंश मानकर उनमें परस्पर बंधुत्व की भावना समाहित की और उन्हें पूजनीय बना दिया है। सबसे पहले इस पुराण में समुद्र मंथन से उत्पन्न विष्णु की माया अथवा शक्ति मतलब देवी लक्ष्मी के प्रादुर्भाव का प्रसंग उठाकर उसकी स्तुति करने की बात कही है। तदुपरांत विष्णु के नाभि कमल से लॉर्ड ब्रह्मा का जन्म होता है, फिर ब्रह्मा से उनके 9 मानस पुत्रों का जन्म का वृत्तांत है, फिर वेदों में निहित ज्ञान की महिमा और वर्णाश्रम धर्म का विशद विवेचन है। यह कुर्म रूप में विष्णु भगवान स्वयं ऋषियों से चारों आश्रमों का उल्लेख करके उनके दो दो रूप बताते हैं, यथा ब्रह्मचर्य आश्रम के दो भेद, इस आश्रम में रहने वाले दो प्रकार के ब्रह्मचारी उपकुवनी और नैष्टिक होते हैं। जो ब्रह्मचारी विधिवत वेदों तथा अन्य शास्त्रों का अध्ययन करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है वह उपकुवनिक ब्रह्मचारी होता है, और जो मनुष्य जीवन पर्यंत गुरु के निकट रहकर ब्रह्म ज्ञान का सतत अभ्यास करता है वह नैष्टिक ब्रह्मचारी कहा जाता है। फिर गृहस्थ आश्रम के दो भेद, गृहस्थ आश्रम में रहने वाले व्यक्ति साधक और उदासीन कहलाते हैं। जो व्यक्ति अपनी गृहस्थी एवं परिवार के भरण पोषण में लगा रहता है वह साधक गृहस्थ कहलाता है, और जो देवगणों के ऋण, पितृगणों के ऋण तथा ऋषिगण के ऋण से मुक्त होकर निर्लिप्त भाव से अपनी पत्नी एवं संपत्ति का उपभोग करता है वह उदासीन गृहस्थ कहा जाता है। वानप्रस्थ आश्रम के दो दो भेद हैं। इसे दो रूपों में तापस और सन्यासिक में विभक्त किया गया है। जो व्यक्ति वन में रहकर हवन, होम, अनुष्ठान और स्वाध्याय करता है वह तापस वानप्रस्थी कहलाता है, और जो साधक कठोर तप से अपने शरीर को कृश एवं छिन्न कर लेता है तथा ईश्वर आराधना में निरंतर लगा रहता है उसे सन्यासिक वानप्रस्थी कहा जाता है। संन्यास आश्रम के दो भेद हैं। संन्यास आश्रम में रहने वाले व्यक्ति को पारमेस्टिक तथा योगी कहलाते हैं। नित्य प्रति योगाभ्यास द्वारा अपने इंद्रियों और मन को जीतने वाला या नित्य प्रति योगाभ्यास द्वारा अपने इंद्रियों और मन को जीतने वाला तथा मोक्ष का कामना रखने वाला साधक पारमेस्टिक सन्यासी कहलाता है, और जो व्यक्ति ब्रह्म का साक्षात्कार कर अपनी आत्मा में ही परमात्मा के दिव्य स्वरूप का दर्शन करता है वह योगी सन्यासी कहा जाता है। यह पुराणकार ने निष्काम कर्म योग साधना नारायण, विष्णु, ब्रह्मा और लॉर्ड शिव नामों की व्याख्या की है। चतुर्युग वर्णन, काल वर्णन, 9 प्रकार की सृष्टियों का वर्णन, मधु कैटब राक्षस की उत्पत्ति और उनके वध का दृष्टांत, भगवान शिव के विविध रूपों और नामों की महिमा का वर्णन,
शक्ति की उपासना का गुण, गहन तथा भावुक वर्णन, दक्ष कन्याओं द्वारा उत्पन्न संतति का वर्णन, लॉर्ड नरसिंह अवतार लीला का वर्णन, भक्त प्रहलाद का चरित्र, सूर्यवंशी राजाओं की वंशावली, चंद्रवंश की वंशावली, वाराणसी के विश्वेश्वर लिंग की महिमा, व्यास और जैमिनी ऋषि के मध्य धर्म संबंधी संवादों का विवरण, अस्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर में जाने का वर्णन, मोक्ष वर्णन तथा पौराणिक भूगोल का विस्तृत उल्लेख किया गया है। अभी उसमें ईश्वर गीता और व्यास गीता है। ये सारे विषय कुर्म पुराण के पूर्वार्ध भाग में समाहित है। इस पुराण के उत्तरार्ध में ईश्वर गीता और व्यास गीता का बड़ा ही सुंदर दार्शनिक विवेचन किया गया है। ईश्वर और भगवान शिव के मध्य हुए संवाद को ऋषिगण ग्रहण करते हैं, उसे ईश्वर गीता का नाम दिया गया है। इस गीता पर व्यास जी द्वारा महाभारत में रचित श्रीमद भगवद गीता का गहरा और व्यापक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। इसमें नटराज शिव के विश्व रूप का वर्णन है। आत्म तत्व के स्वरूप का निरूपण करते हुए भगवान शिव कहते हैं कि जिस प्रकार प्रकाश और अंधकार का, धूप और छाया का कोई संबंध नहीं हो सकता, उसी प्रकार आत्मा मतलब सोल और प्रपंच दोनों एक दूसरे से सर्वथा भिन्न है। सुख दुख राग द्वेष स्थूल और सूक्ष्म आदि आत्मा के लक्षण नहीं है, ये सभी विकार हैं जिन्हें मनुष्य अपने अहंकार मतलब ईगो के कारण धारण कर लेता है। इसका मूल कारण अज्ञान है। जब योगी सभी प्राणियों में आत्मा का संभाव देखने लगता है तभी वो सच्चा प्रेमी हो जाता है। व्यास के श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, आत्मो पम्येन सर्वत्र सम पश्यतियो अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम सयोगी परमो मतः। अर्थात हे अर्जुन, वह व्यक्ति पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों के सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। ऐसा ही भाव श्रीमद् भागवत गीता में एक अन्य स्थान पर भी आया है, जहाँ पे श्री कृष्ण कहते हैं, विद्या विनय संपने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव श्रापके च पंडिता समदर्शिना। अर्थात विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान विनित ब्राह्मण गाय हाथी कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि से देखते हैं। भाव यही है कि जड़ चेतन पशु पक्षी नर नारी सभी में जो व्यक्ति आत्मा के समान भाव से दर्शन करता है वही पूर्ण योगी होता है, अर्थात परमात्मा से उसका संयोग हो जाता है, वह उसी की परम ज्योति में लीन होकर अपना अस्तित्व समाप्त कर लेता है। फिर उसमें सांख्य योग है। कुर्म पुराण में सांख्य योगी के 24 तत्वों सदाचार के नियमों फिर गायत्री महिमा गृहस्थ धर्म श्रेष्ठ सामाजिक नियमों विविध संस्कारों पितृकर्म मतलब श्राद्ध पिंडदान आदि की विधियों और चारों आश्रमों में रहते हुए आचार विचार का पालन करने का विस्तार से विवेचन किया गया है। इस पुराण की गणना शैव पुराणों में की जाती है, किंतु विष्णु की निंदा अथवा उनके प्रभाव को कम करके इसमें नहीं आंका गया है। इसमें देवी महात्म्य मतलब देवी महात्म्य का भी व्यापक वर्णन है। सगुण और निर्गुण ब्रह्म की उपासना का सुंदर और सार गर्भित विवेचन इसमें प्राप्त होता है। तो ये था कुर्म पुराण। अभी हम आपको बताएंगे कि अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, और अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो आपको डिसलाइक करने का पूरा अधिकार है। और हम चाहेंगे कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करने के साथ साथ आप इसको शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो ज्ञान हमसे आपको प्राप्त हो रहा है वो दूसरों तक भी पहुँचे। क्योंकि हम बात सनातन धर्म की कर रहे हैं, अपने पुराण की कर रहे हैं, तो जितने सनातन धर्म वाले हैं बहुत लोगों को ये सब चीज़ें नहीं पता है, तो उन तक ये चीज़ें पहुँचनी चाहिए। और अगर आपकी किसी चीज़ की ज़रूरत है, किसी टॉपिक पे अगर आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए।
धन्यवाद।